ये कि 152 पे दो आउट थे, आई थिंक ये तीन आउट ठीक थे, है। और फिर 192 पे सारे आउट। क्या ठीक है। सबसे पहले शुक्रिया इंजमामुल हक साहब इतने बेस्ट सिलेक्शन पे। ठीक ठीक है। है, उनके बॉलिंग लाइन वो आप पिचेस में किसी की भी नहीं चल रही, किसी की भी सिर्फ चल इंडिया की चल रही। विकेट्स गिरी हैं बाबर के बाद, तो किसी से हैंडल नहीं हुआ और ठीक उन्होंने है, लाइन लगा दी। चाहे सिर्फ इंडिया वो की चल बुमराह है, जडेजा है, या जो भी है, रही। तो मोहम्मद सिराज है, इन हाँ सब की चल रही है, यही बॉलर्स चल अच्छा रही मैच देखूंगा सुकून से बैठ के यार। मतलब कोई तमीज होती है, तुम लोगों ने इतना अच्छा स्टार्ट लिया है, उसके बाद मैं सिर्फ वॉशरूम गया हूँ, वापसी यहाँ पांच आउट। है। हार जीत हिस्सा है, गेम का हाँ। पार्ट है, तो हमें उनकी तारीफ करनी चाहिए जो अच्छा काम करते हैं। अपनी बॉलिंग को थोड़ा मजबूत करना चाहिए, ऐसी बॉलिंग से लग नहीं रहा कि ये सेमीफाइनल तक जाएंगे या ठीक है। किसी। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का। सवाल है जी, आज जिस तरह से मतलब कल जिस तरह से हमारी हार हुई, आज सवाल हम यही करेंगे, इंडियन बॉलिंग वर्सेस पाकिस्तानी बॉलिंग, क्या कहेंगे? पहले तो बात ये कि इस चीज़ पे तो मैं एक ऑलरेडी एक बंदे से बीट जीता हूँ बैट जीत गए। जी, अच्छा, क्योंकि मैंने उनको यही कहा था कि मतलब आप भी पैसे हारे हैं, नहीं, हारा नहीं हूँ, जीता हूँ आप जीते हैं। जी। अच्छा, असल मतलब में इंडिया पे उनको लग गए थे, जी देशद्रोही है। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे कि वहाँ पे क्राउड में आपने देखा पाकिस्तानी झंडे लहरा रहे थे, तो क्या वो देशद्रोही हो गए? ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ये हम लोग ही कर रहे हैं। ठीक है, मैंने उनको यही कहा था कि पाकिस्तान जो है 250 से ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाएगा, ठीक है। और दो जीते हूँ सर में, हाँ, और 40 ओवर के अंदर अंदर इंडिया वो मैच जीतेगा, इसी तरह इंडिया हुआ। वो 40 ओवर के अंदर जीत भी गया। जी ठीक है, हम मतलब आपको दिखा देते ये हैं। टीम है सही जिसका बंदा कोई मैच देखे। ठीक है। मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ थी, ठीक है, मेरे मिड टर्म चल रहे हैं, मैं रातों को जागता रहा, पढ़ता रहा, शाम को जॉब करता हूँ, मेरा बिजनेस है उसको देख रहा हूँ। एक सैटरडे अंदर वीकेंड आता है बंदे के पास सुकून करने का। अब मैं अभी अलार्म दिखा देता हूँ आपको, यस्टरडे का क्या था मेरा। मैंने ठीक है। अलार्म लगाया, उठा मैच देखने के लिए, मेरे मेरे उधर वाईफाई नहीं आ रहा था, हाँ। दोस्त की फ्लैट पे गया, यंगो करवा के ना, 300 रुपया यंगो का दिया मैंने। वहां गया कि चलो भाई अच्छा मैच देखूंगा सुकून से बैठ के। यार मतलब कोई तमीज होती है, तुम लोगों ने इतना अच्छा स्टार्ट लिया है, उसके बाद मैं सिर्फ वॉशरूम गया हूँ, वापसी यहाँ पांच आउट, उसके बाद पानी लेने गया हूँ सात आउट। मतलब मैं वॉशरूम भी नहीं जा सकता, मैंने ऐसा क्या कर लिया भाई कि मेरे आगे पीछे होने से तुम आउट कर जा रहे हो। प्रेशर तो था, 1,30,000 बंदा बैठा है और आपकी बाउंड्री लग रही है, आपको कोई अप्रिशिएट नहीं मिल रहा। जैसे ही कोई बॉल बीट होती है या फील्डिंग अच्छी होती है, ठीक तो है। वो एक तरह से शोर उठ जाता है, तो प्रेशर तो आता है, ये बात हाँ, तो है। एग्जैक्टली। तो उस प्रेशर को हैंडल करना चाहिए था इनको, मगर जैसे ही एक दो विकेट्स गिरी हैं बाबर के बाद, तो किसी से हैंडल नहीं हुआ और ठीक उन्होंने है। लाइन लगा दी। और बाकी जैसे आपको पता है कि उनके बॉलिंग लाइन वो अभी पिचेस में किसी की भी नहीं चल रही, किसी की भी सिर्फ चल इंडिया की चल रही है, सिर्फ चाहे इंडिया वो की चल बुमराह है, जडेजा है, या जो भी है, तो मोहम्मद सिराज है, इन हाँ, सब की चल रही है, यही बॉलर्स चल रहे हैं, यही बॉलर्स चल रहे तो हैं। तारीफ करनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये हार जीत हिस्सा है, गेम का हाँ। पार्ट है, तो हमें उनकी तारीफ करनी चाहिए जो अच्छा काम करते हैं। ठीक है, तो ठीक है। उसके बाद मैंने सेकंड इनिंग्स तो देखी नहीं है, क्या हाँ। हुआ क्या नहीं, देखनी बनती भी नहीं थी, टाइम वेस्ट था पूरा पूरा। मैंने हाँ। भी अपना दूसरा एंजॉय किया। देखें, आपने सारे इच्छुक एक साइड पे रखे हुए हैं, ये छोटी छोटी मोमेंट्स होती हैं, छोटी छोटी खुशियां होती हैं, ठीक है, इनको आवाम ने भी सेलिब्रेट करना होता है, आपने भी करना होता है, लेकिन अब ये सारा कुछ डाली जा रहे हैं कि जी मैच फिक्स था, वो हाँ, क्राउड का इशू था, ये था। भाई करने वाले कर जाते हैं, तुम्हारे बड़े भी तो खेलते आए हैं, जो शाहिद अफरीदी इतना बड़ा सुपरस्टार बना है वो कहाँ खेलता है? वो ये शादमान में मैच खेलता था इंडिया के साथ, वो भी वहीं जाके खेलता था, उन्हीं का क्राउड होता था, और तब जो सरकमस्टांसेस थे वो ज्यादा क्लैशेस थे, ठीक है। बहुत ज्यादा थे। अब तो बहुत कम हो गया, अब तो जो आवाम को पता चल गया, सोशल मीडिया में पता चल गया कि पाकिस्तान इंडिया क्या है, ठीक इनके है, दरमियान में आपकी आपके व्यूज इंडिया से भी आते होंगे डेफिनेटली, और उधर से भी आपको प्यार मिलता होगा, पाकिस्तानियों का भी होता होगा, तो अब तो चीजें सॉर्ट आउट होने लगी हैं, आवाम को समझ आ रही है। तब ज्यादा इश्यूज थे, अगर वो छक्के मार सके, मतलब वो मैं वीडियोस देख रहा था कि वो वीडियो प्ले नहीं हो रही थी और ऊपर लिखा था ये हाईलाइट्स है पाकिस्तान के, जो इन्होंने छक्के मारे इंडिया के खिलाफ, मैं को वीडियो क्यों नहीं प्ले हो रही, फिर मुझे पता चला भाई कोई मारा हो तो वीडियो प्ले हो। मतलब कोई मैसेज देना चाहेंगे जिस तरह से हार्दिक ने आउट किया इमाम को, और जिस तरह से हमारी कल बैटिंग ने परफॉर्म किया है उनकी बॉलिंग के अगेंस्ट, क्या मैसेज देंगे? यही है कि हमें अपनी बॉलिंग को थोड़ा मजबूत करना चाहिए, ऐसी बॉलिंग से लग नहीं रहा कि ये सेमीफाइनल तक जाएंगे या ठीक है। किसी। अच्छा, पाकिस्तान की तरफ आते हैं, पाकिस्तान के बॉलर्स परफॉर्म करते एक्सेल करते नजर नहीं आ रहे, हालांकि हम लोग कहते थे हमारा बॉलिंग अटैक जो है वो सबसे बेस्ट है, उसके बारे में क्या कहेंगे? असल में तो सबसे पहले शुक्रिया इंजमामुल हक साहब हाँ, इतने बेस्ट सिलेक्शन पे। ठीक ठीक है। है, और बाकी ये बेचारे प्रेशराइज हो जाते हैं। ठीक है। मसला ये कि 152 पे दो आउट थे, आई थिंक ये तीन आउट ठीक थे, है। और फिर 192 पे सारे आउट। ठीक कैसे है। हुआ, क्यों हुआ है? क्या पाकिस्तान सेमीफाइनल में जाएगा?
अभी तक तो मुश्किल है, अभी तक तो मुश्किल है। हमारी दुआएं कि अल्लाह करे सेमीफाइनल नहीं हम फाइनल जीत गए। मतलब ऊपर से कह रहे हैं कि बाउंड्री छोटी है, ठीक है। कह रहे हैं कि हमारा शुएब अख्तर जो था ना, वो जब स्टार लेता था ना बॉलिंग के लिए, तो 65 मीटर भागता था और इंडिया की बाउंड्री है 69 मीटर, तो तुमने क्या उखाड़ दिया भाई। बाउंड्री छोटी है फिर मार लो, ठीक है। वो जो इश्तिहार था वो कहता है ऑस्ट्रेलिया की बड़ी बाउंड्री है ना, उधर भी छक्का मारना मसला नहीं है, छोटी पे तो मारे नहीं गए। मतलब समझ से बात बाहर इस टीम का बनना है। जरूर कहूंगा कि ये फेम वाली साहब इनमें से कट करना चाहिए, सबसे पहले तो इनके जो एड्स मिलते हैं ये बंद करने चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये लोग आजकल वही के टिकटॉक का जमाना है, तो ये लोग भी उसी में पड़ गए, ठीक है। इनको एड्स मिलते हैं, इनका अर्निंग होती है, तो ये लोग इस चीज से साइड पे हो गए। ये लोग लीग्स में कैसे चलते हैं, ठीक है, ठीक है। ये आउट PSL में कैसे ये बॉलर बैट्समैन चल जाते हैं, ये किसी और कंट्री के लीग्स में कैसे चलते हैं, ये भी एक सोचने की बात है ना। वो भी मैच होता है, ये भी मैच होता है, इवन कि ये अभी T20 हाई प्रेशर मैच नहीं ना होता। खुद देखे इतना बड़ा क्राउड था और मतलब लाइक आटे में नमक बराबर पाकिस्तानी फॉलोअर्स थे। ये तो इनको और इस तरह करना चाहिए था कि वो खुद खड़े होकर इनके क्लबिंग कर ले। बाबर को चाहिए था कि वो सेफ खेलता, ठीक है। वो सेंचुरी करते तो सोचे कि वो कुछ ना करके भी उनको कुछ बहुत कुछ करना पड़ना था क्राउड को, जैसे पहले किया था बिला शफीक और रिजवान ने, उधर भी तो कोई क्राउड नहीं था, वही पिचेस थे, वही इंडिया था, लेकिन उनको क्राउड ने बकायदा जीतेगा भाई जीतेगा पाकिस्तान जीतेगा नारे लगे। तो वो कौन थे, वो पाकिस्तान से गए थे? नहीं, वो इंडियंस थे। अच्छे स्कोर को भी डिफेंड कर पाएंगे तो बैटिंग थोड़ी सी फिर भी अच्छी जा रही है, अगर कल थोड़ी सी ड्रॉप हुई बैटिंग तो ये है कि अपनी थोड़ी डिफेंसिव मूड में और थोड़ा सा पहले पावर प्ले में हमें थोड़ा रन स्कोर करने चाहिए। बात पता है क्या है, वो एंड पे हुई वही बात कि इंजमाम साहब का हम शुक्र गुजार है, कितने प्यारी उन्होंने सिलेक्शन की है। जमान जैसे प्लेयर को उन्होंने बिल्कुल स्क्वाड में ही नहीं लिया, ठीक है। तो बाकी हम कुछ नहीं कर सकते, अल्लाह करे कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप फाइनल जीत जाए, लेकिन हर वक्त दुआई भी काम मेरे ख्याल से नहीं लाती, कुछ अपना भी मेहनत करनी पड़ती है। क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें हाथ दिए किस लिए दिए, चलाने के लिए। अब मैं कहूँ कि यार मुझे प्यास लगी है, ठीक है, मेरे सामने पानी पड़ा है, जब तक मैं हाथ नहीं आगे करूंगा तो मैं अल्लाह से जितना दफा कहूंगा अल्लाह मुझे पानी, अल्लाह मुझे पानी, तो अल्लाह ने हाथ दिया, हाथ में गिलास उठाऊंगा तो पीऊंगा तो ही मेरा प्यास बुझेगी। तो ऐसे ही है, हर दफा दुआओं से नहीं होगा, उनको भी कुछ करना पड़ेगा। जाहिर बात है मैं खुद एक, आपने जिस तरह देखा मैं ऑर्गेनाइजेशन वो चला रहे हैं, ठीक है, मैं इधर का लीडर हूँ, हेड हूँ इनका, ठीक है। तो मेरे ऊपर प्रेशर होता है, अब कैंप हो रहा है ना, तो मैं कहता हूँ कि अच्छा हो जाए, प्रेशर सारा मेरे ऊपर आता है, क्यों, क्योंकि मैं लीड कर रहा हूँ। बाबर आजम नॉट बैट के वो अल्हम्दुलिल्लाह वो टॉप बैट्समैन हमारा और दुनिया का सबसे बेस्ट बैट्समैन है, ठीक है। उसको कैप्टन बनाया है तो वो क्या करें, अपने उस पर देखे बैटिंग को देखे या टीम को लेके चले, ऐसा हर दफा क्यों होता है कि जो पाकिस्तान का सबसे प्लेयर ऑफ द ईयर होता है, सबसे बेस्ट प्लेयर होता है, उसी को कैप्टन क्यों बनाते हैं? अब सुनने में मतलब होता है ना कि हर बंदा कहे ना कि ये वर्ल्ड कप बाबर आजम का आखिरी वर्ल्ड कप है, तो एक कैसे हम पहले से कैसे डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है एक मैच आ रहे हैं कोई बड़ी बात नहीं है, हम कैसे एक मैच पे बाबर आजम को कैप्टनी से भी हटा के और जो टॉप बैट्समैन है कल को इसको भी सरफराज जैसा सब भूल जाएंगे, जैसे सरफराज को हम भूले, ठीक है। तो लोग कह रहे हैं कि इस दफा कैप्टन रिजवान आएगा तो इस तरह के रिजवान भी खराब हो जाएगा, तो ये करते क्यों ऐसे है, ठीक है। ये इनकी सबसे, ये सबसे बड़ी जो है ना खामी हम कह सकते हैं कि ये टीम की बहुत सबसे बड़ी खामी है कि ये करती क्यों इस तरह, बिल्कुल तो मेरा यही क्वेश्चन है, यही बात, बिल्कुल सही है, थैंक यू।